यार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस हिंदी चेस चैनल जिसका नाम है चेस जयपुर। तो आज हम देखेंगे एक जबरदस्त सा गेम विलियम चेनिज का, जिसको उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेला था और अपने ओपोनेंट को एक बेहतरीन तरीके से हराया था, और वो भी डबल रुक सैक्रिफाइस कर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये गेम की शुरुआत होती है रायल पेज ओपनिंग के द्वारा। यहाँ पर व्हाइट से खेल रहे हैं विलियम चेनिज, और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच है। और यहाँ पर इस गेम में खूबी ये है कि यहाँ पर विलियम चेनिज जो है अपने दो रूक को सैक्रिफाइस कर विन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वाइट से खेलते हैं e4 और इसका जवाब देते हैं e5 के साथ, और बदले में इसका रिप्लाई करते हैं नाइट f3। अटैक कर रहे हैं e5 के पॉन को, और यहाँ पर डिफेंस कर रहे हैं नाइट c6 के साथ। इसके बाद जो है रिप्लाई करते हैं, जो मूव है वो है बिशप b5। और इसके बाद जो है नॉर्मली a6 खेला जाता है, लेकिन यहाँ पर इस गेम में खेला गया था नाइट c6। तो जैसे ही नाइट c6 खेला, इसके बाद यहाँ पर वाइट ने खेला d3, और इसका जवाब जो है ब्लैक ने खेला d6। तो ये जो रॉयल पेज में काफ़ी बार खेला हो चुका है इस तरह का। तो इसके बाद यहाँ पर वाइट खेलता है c3, इसका आइडिया होगा यहाँ पर d4 का। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ब्लैक खेलता है g6। तो ये अपने बिशप को फियांचेटो यहाँ पर g7 के द्वारा डेवलप करना चाहता है। तो उसके बाद जो है नाइट b d2, और उसके बाद जो है ब्लैक खेलता है बिशप g7। अब यहाँ पर वाइट खेलता है नाइट f1, उसका आइडिया है नाइट e3 या फिर नाइट g3, कुछ भी कर सकता है, दोनों ही अच्छे मूव हैं वाइट के लिए। और इसके बाद यहाँ पर ब्लैक करता है शॉर्ट कैसल। तो जैसे ही कैसल करता है, तो यहाँ पर विलियम चेनिज ने उसके किंग साइड में अटैक करने की पूरी कोशिश की, और उसमें सफल भी हुए। और यहाँ पर खेला बिशप a4, पहले बिशप के लिए जगह बना लिया था ताकि कोई काउंटर प्ले ना आ सके। और यहाँ पर नाइट d7। तो जैसे ही नाइट d7 पर पहुँचा, उसके बाद जो है यहाँ पर वाइट ने खेला नाइट e3, और नाइट e3 आने के बाद जो है ब्लैक ने खेला नाइट c5। तो यहाँ पर बिशप पर अटैक कर रहा है, और यहाँ पर बिशप को अपने बचा लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिशप था वाइट का, तो उसने अपने बिशप को बचाया। और उसके बाद जो है यहाँ पर ब्लैक ने खेला नाइट e6। अब जो है वाइट जो ब्लैक जो है अपने नाइट को f4 पर लाना चाहता था शायद। तो उसके बाद यहाँ पर वाइट ने खेला a4। अब जो है यहाँ पर f4 में लाकर फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वाइट ने किंग साइड पर अटैक स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर खेला उन्होंने नाइट को e7। तो जैसे ही नाइट e7 खेला, यहाँ पर खेला h5। तो किंग साइड अटैक स्टार्ट हो चुका था वाइट का, और जैसे ही h5 खेला, तो यहाँ पर ब्लैक ने खेला d5। तो ये ब्लैक की अच्छी कोशिश थी, क्योंकि जब भी हमारे किंग साइड पर अटैक हो, तो हमें सेंटर को ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ब्लैक ने वही किया, कोशिश वही किया यहाँ पर। तो इसके बाद h takes g6, और उसके बाद जो है f takes g6। तो इस तरह से गेम कुछ आगे बढ़ा। तो इसके बाद यहाँ पर वाइट ने खेला e takes d5। तो यहाँ पर वाइट ने भी सेंटर को ओपन कर दिया। तो जैसे ही e takes d5 किया, knight takes d5 हुआ, और knight takes d5 में knight takes d5, फिर queen takes d5। तो इस तरह से पीसों की अदला बदली हो चुकी थी। तो जैसे इसके बाद जो है वाइट ने बिशप को b3 खेला और क्वीन पर अटैक किया। तो काफ़ी एक अच्छा मौका का फ़ायदा उठाया, अटैकिंग टेम्पो मिल रहा था यहाँ पर वाइट को। सो उसके बाद यहाँ पर queen c6 खेला ब्लैक ने, और जैसे ही queen c6 खेला queen e2। अब जो है e5 के पॉन पर अटैक आ रहा था, तो यहाँ पर ब्लैक ने खेला बिशप d7। अपने पॉन को बचाया नहीं उसने, बल्कि अपने एक पीस को डेवलप किया, काफ़ी ज़रूरी था। तो यहाँ पर वाइट ने पहले बिशप e3 खेला, उस पॉन को वाइट ने भी कैप्चर नहीं किया, क्योंकि उसकी किंग साइड पर अटैक आ सकता था। सो यहाँ पर फिर ब्लैक ने खेला king h8। काफ़ी अच्छी मूव थी, थोड़ी कोशिश थी कि किंग को हटाया जाए, लेकिन यहाँ पर फ़ायदा तो उतना कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि रूक का जो h फाइल में ओपन फाइल था, तो ये थोड़ा अटैकिंग आ रहा था। तो इसके बाद जो है यहाँ पर वाइट ने शॉर्ट कैसल लॉन्ग कैसल कर लिया। अब जो है उसका इरादा काफ़ी साफ है, क्योंकि उसका अपने किंग को सेव कर लिया, अब अटैक को काफ़ी फास्ट रखने के लिए लॉन्ग कैसल कर लिया। इसके बाद जो है ब्लैक ने खेला रूक को e7 पर, जो रूक काम नहीं कर रहा था उसको काम पर लगाया, और वैसे तो मूव अच्छी थी, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ पर वाइट की तरफ से काफ़ी अटैकिंग मूव्स आ रहे थे। सो queen f1 खेला यहाँ पर। queen f1 का उसका आइडिया था कि क्वीन को h फाइल में लेके आकर अटैक किया जाए। सो इसके बाद जो है ब्लैक ने खेला a5। तो थोड़ी कोशिश की कि उसके किंग साइड पर अटैक किया जाए। तो इसके बाद यहाँ पर वाइट ने सेंटर को ओपन और भी किया d4 के साथ। सो यहाँ पर e takes d4। तो उसके बाद जो है यहाँ पर knight takes d4 किया। तो यहाँ पर जैसे knight takes d4 किया, सो उन्होंने अपने जो नाइट से कैप्चर किया। तो यहाँ पर वाइट ने जो है यहाँ पर बिशप से कैप्चर किया। सो जैसे ही बिशप से कैप्चर किया, तो
तो उसके बाद जो है यहाँ पर व्हाइट ने अपने रूक का एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया, सो यहाँ पर नाइट से उन्होंने कैप्चर किया। तो जैसे ही नाइट से कैप्चर हुआ, इसके बाद जो है यहाँ से व्हाइट ने काफ़ी ज़बरदस्त अटैक शुरू कर दिया, वो था रूक टेक्स एच सेवन। तो यहाँ पर अपने रूक का सेक्रीफाइस दिया, सो किंग से कैप्चर जैसे ही हो रहा है तो यहाँ पर क्वीन एच वन चेक आ रहा है। अब यहाँ पर किंग जी सेवन ओनली मूव था ये, तो जैसे ही किंग जी सेवन पहुँचा, बिशप का एच सिक्स पर चेक आया। अब यहाँ पर किंग जो है एफ सिक्स पर आया, जैसे ही किंग एफ सिक्स पर आया, क्वीन का जो है एच फोर पर चेक आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर किंग जो आया ई फाइव पर, तो यहाँ पर क्वीन टेक्स डी फोर। अब यहाँ पर उनके ओपोनेंट ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही किंग एफ फाइव पर पहुँचता है तो जी फोर पर चेकमेट हो रहा है। तो काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर अपने दो रूक को सेक्रीफाइस कर विलियम स्टेनिन ने गेम जीता। तो आशा करता हूँ कि आपको ये गेम पसंद आया होगा। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।